मुंबई इंडियन वर्सेस दिल्ली कैपिटल आईपीएल का मैच में दिल्ली कैपिटल्स मुंबई इंडियन को 10 रन पर हराया है। बहुत बढ़िया जीत मिला है दिल्ली कैपिटल्स को, हाँ ठीक ही कह रहे हो। और इस जीत के साथ साथ मानो आप पॉइंट टेबल में उनका 10 पॉइंट हो गया है। हाँ, 10 मैच खेलकर 10 पॉइंट है दिल्ली कैपिटल्स का। और उनको मानो अगर वो जीतेंगे ना, तीन मैच या चार मैच जीतेंगे तो वो प्ले ऑफ में भी जा सकता है। तो ये तो बाद में देखा जाएंगे, लेकिन ये जो मैच, इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स जो उनका मानो बहुत रिकॉर्ड किया है उनके टीम के लिए। हाँ, दिल्ली कैपिटल्स आज तक सिर्फ 232 रन था उनका हाईएस्ट स्कोर, लेकिन आज वो जो उनका जो खुद का रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। हाँ, दिल्ली कैपिटल्स पहले बैटिंग करते हुए आज 257 रन बनाया चार विकेट को। आज दिल्ली के लिए सब बैट्समैन ने बहुत धोया मुंबई की बॉलर को। हाँ, बहुत धोया और सबने अच्छा खेला है। अगर वो जो शुरुआत मैकब्रुक का मानो जो 27 गेंद पर 84 रन बनाए, बहुत बढ़िया है। 311 का स्ट्राइक रेट है, 11 चौका 6 छक्का मारा, ये बहुत अच्छा खेला है। जो शुरुआत से जसप्रीत बुमराह को भी इन्होंने रिमांड पर लिया था, हाँ ठीक ही कह रहा हूँ, और बहुत अच्छा खेला है। स्पेशली अगर इनका बैटिंग की तुलना किया जाए तो ये बहुत बढ़िया बैट्समैन है, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलता है और हाल ही में ये बहुत ज़्यादा फॉर्म में है। अगर इनको T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया विवेचना करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत फायदा है, हाँ ठीक ही कह रहा हूँ। और अभिषेक पोरेल आज ओपन करने आया और खेला ठीक है, धीमी खेला क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट 133 का और 36 रन बना पाया 27 गेंद पर। तो ये जो दिल्ली कैपिटल का हर सब बैट्समैन से तो ये बहुत धीमी खेला है, तो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि जब पांच लोग हैं तो ये चार लोग अगर अच्छा खेले तो एक लोग अच्छा नहीं खेलेंगे फिर भी कुछ जाएंगे नहीं। तो साई होप 3 नंबर पर आज आया और उन्होंने भी आज ताबड़तोड़ शुरुआत किया, ताबड़तोड़ खेला, 17 गेंद पर 41 रन बनाए, बहुत बढ़िया खेला है। पंत ने भी अच्छा खेला है, लेकिन बैड लक बुमराह की गेंद पर आउट हुआ। पंत बुमराह के सामने आज तक 8 बार आउट हो चुका है, हाँ आईपीएल में, ठीक ही कह रहे हो। और 29 रन बनाकर चला गया। टिस्टन टब्स अंत में आके क्या खेला है, बहुत बढ़िया, अक्षर पटेल को लेकर बहुत बढ़िया खेला है। 25 गेंद पर 48 रन बनाए, ये भी अच्छा खेला, साउथ अफ्रीकन बैट्समैन बहुत अच्छा खेला है। अक्षर पटेल भी अंत में एक ओवर में वो 11 रन किया 6 गेंद पर। तो ये लिखा जो का दिल्ली कैपिटल्स के बैटिंग का। फिर जब मुंबई इंडियन बैटिंग करने आया तो लग रहा था कि आज मुंबई जीत सकता है, हाँ आज मुंबई जीत सकता है, क्योंकि मुंबई का बैटिंग ऑर्डर बहुत डीप है और शक्तिशाली भी है। अगर ईशान किशन है, रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है, टीम डेविड है, तो ये जो सारे नाम, ये सारे नाम बड़ा बड़ा नाम है, फिर भी मानो बहुत पॉइंटेस हुआ मैच और 10 रन पे ही हारा। हाँ, मुंबई भी 247 रन बनाया 20 ओवर में, तो ज़्यादा पीछे तो नहीं रहा। अगर मिडिल ओवर में थोड़ा और तेज खेलता तो मुझे लगता है ये मैच जीत सकता था, हाँ ये मैच जीत सकता था मुंबई। और ईशान किशन शुरुआत में 20 किया था, रोहित शर्मा खेल नहीं पाया, 8 गेंद पर 8 रन किया, और ये मुंबई के हारने का वजह भी रोहित शर्मा ही है। हाँ, अगर उन्होंने इस 8 गेंद पर अगर 16 रन भी करता तो भी मैच मुझे लगता है जीता। हाँ, सूर्य कुमार यादव भी आज खेल नहीं पाया, सिर्फ 26 रन बनाया। तिलक वर्मा और कप्तान हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा खेला है, थोड़ा अच्छा खेला है। तिलक वर्मा भी 32 गेंद पर 63 रन बनाया, हार्दिक पांड्या जो 24 गेंद पर 46 बनाया, लेकिन गलत समय पर आउट हो गया। यही अगर तिलक वर्मा रन आउट ना होता, हार्दिक पांड्या गलत टाइम पर ना आउट होता, तो ये जो मैच का फल कुछ और होता। हाँ, टीम डेविड उसके बाद मानो 37 रन बनाया 17 गेंद पर। मोहम्मद नबी कुछ नहीं कर पाया, अंत में पीयूष चावला और लुक वुड ने ट्राई किया था लेकिन एक पर्जप नहीं था, हाँ, और 10 रन से हारना पड़ा। लेकिन T20 वर्ल्ड कप के नज़रे पे अगर देखेंगे तो रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है, हाँ रोहित शर्मा सच में फॉर्म में नहीं है, तो ये एक चिंता की विषय है। तो रोहित शर्मा ओपन करता है और ओपन की जगह, रोहित शर्मा की जगह मानो वो तो कप्तान है तो वो खेलेंगे, लेकिन रोहित शर्मा से भी बहुत अच्छा खेल रहा है। अगर देखा जाए तो अभिषेक शर्मा खेल रहा है, जसी जायसवाल तो है, और भी ईशान किशन भी मुझे नहीं लगता उनको भी मौका मिलेंगे, क्योंकि उनके पास मौका था जो हर एक मैच में 8, 10, 12, 15 रन कर रहा है इसको बढ़ाने का, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। और सूर्य कुमार यादव भी एक मैच खेल रहा है, एक मैच नहीं खेल पा रहा है, तो इनका भी फॉर्म में थोड़ा घटिया चल रहा है, फॉर्म गिरा हुआ चल रहा है। तो मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव जो वर्ल्ड कप में खेलेंगे छाएंगे, लेकिन मुकेश कुमार ने अच्छा बॉलिंग किया है आज। मुकेश कुमार 3 विकेट चटकाया, खालिद अहमद 2 विकेट चटकाया दिल्ली के लिए, और रसिक दर सालम जो 3 विकेट चटकाया, ये है लेखा जोखा। लेकिन मुकेश कुमार रन चटकाता है, विकेट चटकाता है, लेकिन रन बहुत देता है। हाँ, आज भी 59 रन दिया है 4 ओवर में, तो रन बहुत देता है। और अगर देखा जाए तो बुमराह, जसप्रीत बुमराह के साथ अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार को भी मौका दिया जा सकता है, क्योंकि रन देता है लेकिन
विकेट चट कर रहा है, और उधर सिराज मोहम्मद सिराज है जो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, रन दे रहा है विकेट नहीं चट कर पा रहा है, तो विकेट सबसे आगे इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप एक ओवर में 15 रन देंगे लेकिन एक विकेट चटकाएंगे उसका महत्व तो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो मैच है, मैच तो बहुत अच्छा हुआ है, एक रोमांचक मैच हुआ है, लेकिन अंत में दिल्ली का जीत मिला है, दिल्ली को जीत मिला है और दिल्ली अब अच्छी स्थिति में। मुंबई को बाय बाय, मुंबई बाय बाय, टाटा बाय बाय हो गया, क्योंकि मुंबई के पास मानो और कुछ भी नहीं बचा है। हाँ, मुंबई बाहर हो चुका है एक तरफ अगर देखा जाए तो। अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।